अस्सलामुअलैकुम। नूर किचन दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मटन टिक्का। उसकी रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो देखे चले चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बनाएंगे मटन टिक्का। उसके लिए हमने मटन लिया है, 300 ग्राम होगा, ऐसे बड़े बड़े, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम साइज का पीस बना लेंगे। इसमें दो है मीडियम साइज का प्याज, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, मीडियम है। अदरक लहसुन और दो हरी मिर्ची का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे कुकर में। प्याज है जो कटी हुई वो डाल देंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा हल्दी डाल देंगे, अभी डाल देंगे स्वाद अनुसार। उसमें नमक चला जाए एक छोटी चम्मच डाल देंगे, आधा चम्मच है सूप साबुत। उसमें पानी डाल के गलने के लिए चढ़ा देंगे। चार पांच सीटी आ जाए तो बंद कर देंगे। अगर हमारे कुकर में थोड़ा देर से सीटी आती है, इसलिए 4-5 सीटी लगाएंगे। अगर आप में जल्दी जल्दी आती हो तो 8-10 भी लगा सकते हैं। लगा देंगे ढक्कन। हमारे कुकर का 5 सीटी हो गया है, अब गैस बंद कर देंगे। देखते हैं सीटी ख़त्म हो गया। तेज फ्लेम करके पानी इसको सुखा देंगे। देखिए पानी सूख गया इसका, अब निकाल देंगे। डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर एक चुटकी, चम्मच मिर्ची तीखे वाली है इसलिए कम ही डालेंगे, छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच छोटे चम्मच से गरम मसाला है, एक घर का बना गरम मसाला है, मसाला सारे घर ही में बनाते हैं, छोटे चम्मच धनिया पाउडर, दो चम्मच मैदा। नमक पहले डाल चुके हैं, थोड़ा फीका है इसलिए थोड़ा सा डाल देते हैं। सारे को मिक्स कर देंगे। हम छोटे छोटे पीस बनाए हैं, आप बड़े भी बना सकते हैं। अच्छा से मसाला सारे में लग गया, उसको 10-15 मिनट ढाँक के रख देंगे। अच्छा लग गया मसाला हमारा। गैस ऑन करके अब चढ़ा लिया फ्राई पैन, डाल देंगे सरसों का तेल। देखिए 10-15 मिनट हो गया, और इधर गैस ऑन करके हमने फ्राई पैन चढ़ा के तेल रख लिया है, सरसों की तेल है। अब इसमें एक उठा के डाल देंगे मीडियम एकदम फ्लेम रखे कम। Thank you.
जरूरत है। दोनों साइड से उलट पलट करके फ्राई कर देंगे। देखिए फ्राई हो गया हमारा अच्छी तरह तरीके से, आप भी फ्राई करें। टिक्का बनके तैयार हो चुका है। एक बार हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए, बहुत टेस्टी और जायकेदार बनता है और घर में सबको पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया।